बोलो मुझे अभी तुमसे शादी करने तो करोगे? नहीं, अभी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, और तुमने साफ मना कर दिया। तो देखो सिंपल से आता है, तुम मुझे बोल जाओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं कोई और लड़का ढूंढूंगी जिससे मैं शादी। तो आप जाओ ब्रेकअप या अब मैं लड़का ढूंढ लूंगी और तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगी जिसके साथ मैं मिला सेटिंग करूंगी। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं कुछ नया लेके आई हूँ तो आज की प्रैंक में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो मैंने जस्टिन को कॉल करी है, वो कह रहा है मैं यहाँ पहुँच तो चुका हूँ पर वो बाहर मेन गेट पर है और मैं बहुत अंदर की साइड बैठी हूँ, तो इस पाने में टाइम लगेगा। तो जब तक जस्टिन आता है वीडियो पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और ऊपर यूज़र नेम मारोगे जल्दी से जाओ फॉलो करो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय। A few moments later. तो भाई जैसे ना तो कैमरामैन कैमरा को मार ले। आ गया कैमरा चपा के रख गया। ठीक है, बदतमीज समझ लग रही तो कैमरा दिखा के माने यार, खाने में लगा पड़ा है। तो पाल ले, आ गया पता है मुझे, आ जाओ। अरे तुम वो पता है, आ जाओ। कौन हूँ मैं? पहचानो? कौन हूँ बोलो? अबे जस्टिन हो तुम और कौन है? आओ यार, क्या कर सकते हो? क्या हुआ? आँखों में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ बताओ। देखा मेरा हाथ जादू कर रहा है, वो ना धुंधली हो जाती है, बंद नहीं होती। अच्छा और बताओ कैसे? मैं हाथ भी नहीं कर रहा ना, मन नहीं था। क्यों नहीं था? ऐसे अरे हाथ दो, पीछे छेक लगाने दो। और बताओ बस। ठीक तो दूर होके बैठो ना, चिपके जा रहे हो क्यों यार? इतने दिन बाद तो मिल रही हो। तो गर्मी हो रही है तो दूर हो जाओ। नहीं मैं तो नहीं, दूर हो यार, गर्मी हो रही है। नहीं अच्छा और बताओ गर्मी से कैसे? आज के दिन इतना प्यार आ रहा है यार, बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ मैं। तुम आज से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो सीरियसली। अच्छा मतलब इंसान को खूबसूरत हो तभी देख के प्यार आता है। चलो दूर तो हो थोड़ा। क्या हो गया? वो मत बनाओ यार रिशु, आज बहुत दिन बाद मिल रहा है यार और ऐसे करोगे? नहीं, आज का दिन मैं रोमांटिक चाहता हूँ। रोमांटिक ही बालों से क्या रोमांटिक होता है? बाल ऐसे रखो ना यूँ। अच्छा लो, हाँ भाई यूँ। ठीक है हाँ हाँ, बताओ प्यारी से लग रही है। ओके और कुछ नहीं, ऐसे ही देखती रहो। किसको? मुझे। क्यों अच्छा नहीं हूँ? ऐसे ही देखती रहोगी ना तो मेरा तो दिन अच्छा हो जाएगा पर तुम्हारा दिन ज़रूर खराब हो जाएगा। मतलब ऐसे बताऊँगी जल्दी। और बताओ कैसे हो? क्या कैसे हो? देखो रिशु, मूड नहीं खराब करना बिल्कुल भी, बहुत अच्छे मूड से आया हूँ मैं। अच्छा समझी, प्यार करती हो यार? मैं तो करती हूँ पर तुम्हारा पता नहीं। पता? आई थिंक तो नहीं, आई मीन ये नहीं कि नहीं पता, आई थिंक मतलब मुझे पता है। और तुम्हारा, तुम करती हो तो नहीं करते थे। मूड अब खराब कर रही हो ना रिशु। अच्छा बताओगे तो ठीक है। सब बढ़िया, क्या खा गया? ये मैं पुलाव। जब भी मुँह से बदबू मार रही है। कोई मारते हैं, चले जाओ यहाँ से। हैं? चले जाओ फिर। चला जाऊँ? मैं क्यों इतनी आज प्यारी सी लग रही हो? मत करो ऐसे। क्यों आज इतनी प्यारी लग रही हो? नाक पर पकड़ो, नाक पर पकड़ो। इशू यार क्या हो गया? अरे क्या हो, मुंह बनाती हो ना तुम हर बार। ओट ओट खींचोगे तो मना ही तो करोगे। मत करो। अच्छा सुनो ना, सुनो कुछ बात करनी है। करूँ? बोलो, बाद में करती। चलो हाँ यार अभी करती हो। तो इतनी देर तुमने टॉलरेट नहीं करते, टॉलरेट नहीं कर पा रही तुम। अच्छा सुनो, मुझसे शादी करोगे? मेरे जवाब जब मैं पूछूंगी ना उसके जवाब ना तुरंत देना है, क्यों ऐसा क्यों ये समझ, सिर्फ नॉर्मली हाँ या ना, हाँ या ना, और अगर कोई रीज़न के साथ जवाब देना तो डायरेक्ट जवाब देना, नहीं देना तो उठ के चले जाना, ठीक है। तो ऐसे फालतू की बातें करने के लिए बुलाया नहीं, फालतू की बात करने के लिए बुलाया, छोड़े मत तो, ठीक है। ये बताओ मेरे से शादी करोगे? नहीं कर रहा शादी। ओके फिर अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। अरे बताओ मैं सीरियस हूँ। अबे यार ऋषु सब कुछ तो पता है यार, घर वालों से मिलवा दिया, सब कुछ घर में भी पता है। अच्छा ये बताओ मेरे से शादी करोगे? अभी जब मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, सिर्फ मेरे को आगे की एडवाइस मत दो। हाँ करोगे? कब करोगे? टाइम आने पर। कब आएगा टाइम? कितना टाइम लगेगा आने में? जब मेरा करियर बन जाएगा। फिर भी अंदाजा कितना टाइम? कितना टाइम? 5 साल, 10 साल, जितना भी टाइम लगे। 5 साल, 10 साल या 5 दिन, 10 दिन कह रहे हो? 5 तुम 5 महीने कहते तो भी मैं भड़कती, तुमने तो सीधा 5 साल 10 साल बढ़ा दिया। अच्छा मतलब सिंपली तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अभी तो नहीं कर सकता, करूँगा तो 5 साल 10 साल बाद। और मैं अगर बोलूँ मुझे अभी करनी है? अरे उम्र तो देखो अपनी। कोई ना, मैं कह रही हूँ मुझे अभी करनी है। अगर मैं बोलूँ मेरी फैमिली मेरे को पीछे से फोर्स कर रही है मुझे अभी शादी करनी है, तो क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्यों फोर्स करेगी? बोलूँ मुझे अभी तुमसे शादी करनी है तो करोगे? नहीं अभी नहीं कर सकता मैं। अच्छा रोड पे सोना है? हाँ, अभी एग्री, मैं तो तुम्हारे साथ रोड पे भी सोने को तैयार हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी सोने को तैयार हूँ। करियर बनाना होगा झोपड़ी में, काम करो ऋषु। ये हफ्ते 2 हफ्ते में इंसान मिल रहा है तो उसकी कोई वो नहीं। तुम इतना बताओ तुम कर सकते हो भी हाँ या ना बोलो? भाई मैं अभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन? 5 या 10 साल भूल जाओ भाई साहब, मुझे अपना करियर बनाना है। बिल्कुल आपकी कृपया होगी, आप भी मुझे भूल जाओ, मैं भी आपको भूल जाओ, बिकॉज मेरे को शादी करनी है उस इंसान से जिसको मैं जानती हूँ। और अभी तक तो मेरे मन में ये नहीं था, मेरे को मतलब उससे शादी करनी थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो तुम थे, बट जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बिल्कुल मुझे साफ मना कर रहा है। और ये बात हमने घर वालों को जाके बोलूँगा, नॉर्मली हमें बोलेंगे कोई नहीं, अगर आपको वेट करना है आप करो, हम आपकी शादी अपनी मर्जी से कराएंगे, मुझे नहीं करनी है अपने घर वालों की मर्जी से शादी, मुझे अपनी मर्जी से करनी है। तो जब तुम मुझे मना करते हो, मुझे एक वैसे इंसान चाहिए जो मेरे को समझता है और मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। मैं उसके साथ अपनी लाइफ में आगे स्पेंड करना चाहती हूँ जिसको मैं पहले से जानती हूँ, ये कोई रैंडम है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमको भूल जाऊँ तो मैं कह रहा हूँ अभी तो भूल ही जाओ, तो मैं तो तुमको सिंपली बात कह रही हूँ, तुम भी मुझे मैं नहीं बोल रहा भूल जाओ यार, क्यों मेरी बात सुनो, अभी पूरी बात सुनो यार, क्यों बकवास कर रही हो? लड़ने के लिए बुलाती हो क्या? मेरी बात सुनो पूरी, ठीक है। 1.5 हफ्ते बाद मिलते हैं ऋषु। अरे तभी तो मेरे को देखो बात चल रहे हैं, कहीं चलते हैं, मेरी बात खत्म होने दो, अभी मेरी बात ऐसे बीच में काटो मत, रुको। तो सिंपल बात है, तुमने तो साफ मना कर दिया ना, तो मैं हाँ बाबू रहने दो, मत करो यार बात, मैं सीरियस हूँ ना। क्या साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? कि तुम मेरे से शादी करोगे नहीं करोगे? अभी 10 दिन के अंदर अंदर। नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? फिर मैं क्या करूँ बताओ? मुझे शादी करनी है 10 दिन के अंदर करो यार। मेरे घर वालों ने मुझे ये डिमांड रखी, अगर आपको अपनी पसंद से शादी करनी है तो 10 दिन के अंदर अंदर करो। तो बताओ तुम कर सकते हो हाँ या ना? बस हाँ या ना बोलो। नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ बताओ? वेट नहीं कर सकती मेरा। मैं कर सकती हूँ, मेरी फैमिली नहीं कर सकती बताओ, और मैं अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती बताओ। बाबू क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? क्या बोला है घर वालों ने? तुम मेरे से शादी, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि तुम अभी 10 दिन के अंदर अंदर शादी करो ना, हम तुम्हारी 10 दिन के अंदर अंदर शादी करनी है। वो तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें लव मैरिज करनी है अरेंज मैरिज करनी है, तुम्हें लव मैरिज के लिए भी कोई भी लड़का चाहिए होगा हम देख लेंगे, चाहे वो सेटल नहीं भी होगा हम सेटल कर देंगे, हम देख लेंगे, पर तुम करो अभी शादी। और अगर तुम अभी टाइम मांगते हो तो आगे जाके तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाएगी, हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। तो मेरा तो प्यार था, मैं तुमसे आके पूछूंगी ना सबसे पहले, और तुमने साफ मना कर दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल रही हूँ, क्योंकि अब मैं कोई और लड़का ढूंढूंगी जिससे मैं शादी करूँ। हाँ मत करो यार, मत करो, दूर हो जाओ। अब वैसे भी दूर हो जाओ, मेरे को इससे आगे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तो तुमने मना कर दिया। मैं बस यहाँ पे आई थी, मेरे को पहले पता था, तुम्हारी कसम मुझे पहले पता था तुम्हारा जवाब ना ही होगा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। करियर बनाना है अपने दम पे, करियर साथ में रह के भी बना सकते हैं। छोड़ो ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी क्योंकि मुझे तुम्हारा जवाब पहले ही पता था। तो सिंपल सी बात है, मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, तुम मुझे भूल जाना, मैं लड़का अब मैं लड़का ढूंढूंगी। मत करो, अब मैं लड़का ढूंढूंगी, अपनी शादी का कार्ड ना तुम्हें भी भिजवा दूंगी, ठीक है, ढूंढूंगी, बिल्कुल सब ढूंढूंगी यार। नहीं अब क्या गलती है मेरी? पहले क्लियर हो चुका था ना कि शादी हम अच्छा करियर बना के। इंसान कितने प्यार करता है ना तो ना उसके ना सारे सपने ना बाद में होते हैं, पहले ना वो लड़की का देखता है। और ऐसा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ पहले हमारी बात हुई थी ना, करियर बनाएंगे, अच्छा लाइफ सेट करेंगे, उसके बाद में इस बारे में सोचेंगे और अच्छा टाइम देख के शादी भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, हुई थी ना। तो अब क्यों तो अब वो हालात नहीं है ना, वो बदल भी जाते हैं। क्या बदल गया? किसने क्या बोला है? तुमको मैंने पूरी बात बता दी है। मैं ओए देख सुन, हाँ, मेरी बात सुन, बहुत देर हो गई प्यार से वो करते हुए तुझे। बोल बोल बोल, मेरे ऊपर ठीक मत कर लेता। अच्छे मूड से आया हूँ यहाँ पर, फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ मैं तेरे से, समझी? औकात में रिशु यार क्यों मेरा हट यहाँ से, औकात मत बोलो। तुम्हारे साथ में तुम्हें लगता है तुम अगर भी हाँ भी औकात फोकात की बात मत कर मेरे से। हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, फालतू की बात करने नहीं आया हूँ ना मैं। नहीं नहीं तुम्हें पता, हट पहले दूर। क्या तुम्हें पता है अगर आज तुम मेरे को शादी के लिए हाँ भी करते ना और अगर मैं मान भी जाती ना तुम 10 दिन के अंदर मेरे से शादी कर भी लेते ना तो भी ना वो मेरी लाइफ का ना सबसे गलत स्टेप होता। अगर मैं तुम हाँ कर देता मैं तुमसे शादी कर लेती। क्या करना है? ब्रेकअप करना? हाँ ब्रेकअप करना, क्योंकि मैं क्योंकि मैं ऐसे लड़के के साथ पहले तो मैं इतना बताने आई थी, मुझे पता था तुम ना बोलोगे तो मुझे किसी और लड़के को ढूंढना पड़ेगा। पर आज जो अभी जो मैंने तुम्हारा बिहेव देखा ना और अगर मैं कभी तुमसे शादी कर भी लेती ना वो मेरा सबसे गलत स्टेप होता, क्योंकि ऐसे लड़के के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं सिर्फ उस लड़के के साथ रह सकती हूँ जो प्रैक्टिकल हो, जो सोचता भी प्रैक्टिकल हो। ठीक है तो आप जाओ ब्रेकअप या ब्रेकअप बिल्कुल। हम मेरी शादी में ज़रूर आना, मैं आपको कार्ड भी व्हाट्सअप कर दूँगी, नसीब मेरा तो मिलेंगे भी। अब मैं लड़का ढूंढ लूँगी और तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगी जिसके साथ मैं अपनी लाइफ सेटल कर लूँगी। जाओ गाइस, ये तो जा रहा है, मेरा रोकने का मन नहीं है, इससे मुझे मारा है ना तुम्हें तेज मन भी नहीं कर रहा, कुत्ता कहीं का। सुनो इधर आ रहे हैं आए करके तू बोला है ना, तुम्हें मेरी कसम में हाथ मत उठाना, मेरी कसम, मेरी कसम। औकात में जब तेरा सब कुछ खत्म हो गया ना मेरे से, खत्म हो गया ना, मैंने कहा मेरी कसम है। औकात में बोल, मैंने कहा खत्म है ना तेरा से, तुम्हें ना अपनी अम्मी सब कुछ खत्म है ना, अपनी अम्मी की कसम में गले लगा लो मुझे, खत्म है ना। मैंने कहा मेरी नहीं, अपनी अम्मी से तो प्यार करते हो गले लगा लो, प्यार से प्यार वाला ये सब बोल। खत्म है ना रिलेशन, आप रिलेशन पर अपनी अम्मी की कसम में गले लगाओ मेरे को 2 मिनट तक, हमेशा के लिए छोड़ के यार 2 मिनट तक प्यार से गले लगाओ। रो लो मेरे भाव में जितना रोना है, उसके बाद तो पता नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगी, इधर मुकर के रो लो। अबे जाओ यार काम करो रिशु, यार गले लगा दो, रो लो जितना रोना है, उसकी बात तो पता नहीं कब मिलोगे। भी दे दो आखिरी टाइम। अच्छा सुनो सोना, एक बात सुनो, मर गया तेरा सोना और मेरा बच्चा ना, मेरा बच्चा सुनो, पता मैं क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बताओ? भूख अबे अल्लाह हंस रहे हो रो रहे हो बाबू? अच्छा हंस रहे हो तो कर रहे हैं। अच्छा सॉरी यार सुनो बाबू, तो मैंने मुझे पता है मेरे दूर जाने की ख्याल से भी देखते वालों। अच्छा नीरज जी, अच्छा सॉरी। क्या है दोनों क्या कर रही थी? मैं प्रैंक कर रही थी। क्या ये प्रैंक? इस प्रैंक के चक्कर में मैंने तुमको कितना गुस्सा करोगे तो प्यार से आता। कोई नहीं, अभी भी चलेंगे, मूड खराब तो कर दिया। कोई नहीं, आज करता मेरा बच्चा आज मुझे कह रहा था मैं ना आज का दिन ना रोमांटिक बनाऊंगा, तो आज का दिन रोमांटिक बनाएंगे इस प्रैंक के बाद। अरे यार बहुत टाइम हो गया था प्रैंक नहीं डलता तो कोई अच्छा से मैंने करा भी नहीं था। मैंने तो इतनी प्यारी लोकेशन में बैठी हूँ, सामने इतना बड़ा समंदर, यहाँ पर फीलिंग आ रही है, समंदर है, अधो समंदर ही लग रहा है मुझे, कितना बड़ा देखना जो भी है मुझे नहीं पता, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। मेरा बच्चा आया भी था अच्छे मूड से, उसके लिए सॉरी मैंने मूड खराब करा। अभी शादी करनी है तुम्हें? करनी तो है, करनी तो है, करियर नहीं बनाना, करियर तो साथ में रह के बना लेंगे, तो कोई नहीं, जिसमें तुम्हारी कुछ है मेरी कुछ नहीं। प्रैंक कर रही थी तो एंड करो वीडियो। गाइस ऐसे प्रैंक कर दिए जिसके ना सर होते हैं ना पैर, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो ये चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई ने हमारी शादी में जरूर आना, कार्ड में यूट्यूब तो मेंशन कर दूंगी, ठीक है। हाँ, वो होगी 5 से 10 साल बाद, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो इंशाल्लाह जल्दी कामयाब हो जाएंगे हम, तो और जल्दी कर लेंगे। हाँ, तो जल्दी कर लेंगे और कामयाब होने के बाद मैं जो कुछ करूँगा। तो ये कहाँ से दिमाग चलाया था बेटा आपने ये सब? मैं सोचती रहती हूँ, पता है कि ना, बैठती हूँ ना अकेले तो मैं सोचती हूँ अरे मैं यार मेरा बाबू मेरे पास क्यों नहीं है, अगर होती काश शादी कर लेते तो 24 घंटे साथ में रहना, काम तो वैसे भी साथ में करते हैं तो 24 घंटे साथ में रहना, बस रात रात को अपने घर में चले जाते हैं। तो वही मैंने कहा शादी होती तो मैंने यार क्यों ना प्रैंक करा जाए उस पर कि अभी शादी करो, अभी शादी करो, क्योंकि बैठे बैठे मैं सो ना पिंच मारती रहती हूँ हमारी शादी कितने साल बाद होगी, कितने साल बाद होगी। तो मुझे 5 से 10 साल 5 से 10 साल गिनवाता रहता है। तो गाइस यार जल्दी से ना हमें ना बहुत आगे पहुँचा दो, बहुत आगे, कि मेरे पास खुद है कि देखिए 5 साल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।